देखो क्या कर रहा है। हाँ ये तो पैसे निकाल रहे हैं। ऐसे ही मैं भी निकालूंगी। जो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं ना, वो यहाँ विश मांगते हैं और कुंड में पैसे फेंकते हैं और ये पैसे बच्चे लोग निकाल लेते हैं। ये देखो आंटी फेंक रही है पैसे और मैं भी ऐसे ही निकाल लूंगी। इतना तो 28 रुपए तो मिल ही जाएंगे। पर तू पानी में कूदेगी? हाँ, कैसे ये लड़के कूद रहे हैं? पर ये तो लड़के है ना। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती, मेरी मम्मा ने कहा है। पर तू पानी में? तुझे रॉकस्टार का गाना सुनना है ना? हाँ। बस तू यही रुक, मैं अभी लेके आती हूँ। गाड़ी रोको। इधर क्या हुआ? रुद्र! ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना। जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से ठीक तो ना? रूही देख तो सही, तुझे किसने बचाया? रॉकस्टार रुद्राक्ष कुराना। रूही ये है चाहते, ये है चाहते। अच्छा किया तुमने मुझे बता लिया। ये है चाहते, तुम्हारी वजह से तो जंप किया था मैंने पानी में। मेरी वजह से क्यों जंप किया था आपने? तुमने ही ना 10 रुपए टिकट रखा था, हमारे पास 28 रुपीस कम थे, तो उसके लिए सिक्के निकालने के लिए पानी में घुटना पड़ा, है ना चाची? हाँ। ताकि टिकट मिल जाए और हम तुम्हारे कॉन्सर्ट में आ सके। अच्छा, तो मेरे कॉन्सर्ट में आने के लिए आपने ये सब किया? और नहीं तो क्या, अब समझ में आया? हाँ बाबा, समझ में आ गया और मैं इम्प्रेस भी हो गया। लेकिन मेरे कॉन्सर्ट में जाना हो या कोई भी काम करना हो, ऐसा रिस्क तो कभी नहीं लेना चाहिए ना। तो आप भी बच्चों से टिकट लिया ही मत करो, बच्चे के तो फ्री एंट्री होनी चाहिए। ओके बाबा, आज से बच्चों की फ्री एंट्री और स्पेशली आप दोनों के लिए हमेशा फ्री। ओके बंटी, टिकट दे। हाँ, ये एक आपके लिए और ये आपके लिए मेरे कॉन्सर्ट की टिकट्स। आप पानी में जंप नहीं करना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और आप भी
भी प्रॉमिस करो कि बच्चों से टिकट नहीं रहोगे। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस? अब तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गॉड प्रॉमिस। चले। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना। देखा काकी, रॉकेट पैक चीटर है, मुझसे प्रॉमिस ले लिया, कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा। नहीं बेटा, आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। रब के नवाजे होते हैं, ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कॉन्सर्ट में मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय बाय। अच्छा देखा कितने अच्छे रॉकस्टार। हाँ, जब गाना सुनूंगी तब पता चलेगा कि अच्छे कि बुरा है। इतने टाइम बाद देखा तुम्हें। पांच साल कैसे रही मैं, कैसे रही तुम्हारे बिना, और आज तुम्हें अपने सामने देखा। मेरे सामने थे तुम, वो रोक नहीं पा रही थी। मेरे सामने थे तुम रुद्र। इसे छुपाना पड़ेगा, रूही से नहीं देख सकती। कहाँ छुपाऊँ? मेरे रूम में नहीं, रूही हर जगह अपना सामान रखती है, मेरे ड्रॉर में, मेरी अलमारी में, हर जगह। ऐसी कौन सी जगह है, कहाँ छुपाऊँ? अगर रूही ने ये देख लिया तो हजार सवाल पूछेगी। क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी उसे, क्या समझाऊंगी? ये ठीक है, यहां रूही नहीं देखेगी, रूही को पता नहीं लगना चाहिए। रूही से तो छुपा लिया, लेकिन खुद से कैसे छुपाओगी?